I'm sorry, meri pyari, jaane do. I'm sorry, meri anjali, jaane do. I'm sorry, oh sorry, jaane do. Jo hua wo bhulo bhi, jaane do. Ho gayi galti, jo bhi aara, chahe to todo dant saare. Sorry, yes, sorry, jaane do, Anjali bhabi, he sorry, jaane do, he sorry, yes, sorry, jaane do, Anjali bhabi, he sorry, jaane do, jaane ki baat yun karo tum, tujh bin ye माफ कर दो, हाँ कर दो, माफ कर दो, हाँ कर दो, जाने दो, अंजलि भाभी, रुक जाओ, छोड़ो भी, I'm sorry, oh sorry, जाने दो, जो हुआ वो भूलो भी, जाने दो, I'm sorry, छोड़ो जी, माफ की आज फिर से आपने मुझे मना लिया। ये मना था नहीं तो क्या करता अंजलि, तुम्हारे बिना जीना जो मुश्किल है, जी नहीं पाता मैं तुम्हारे बिना तो। तारक कुछ भी कहिए, गलती तो आपने की है और आपको उसकी सजा मिलेगी। जो सजा चाहे दे तो मेरे सरकार, आप जो सजा मुकर्रर करेंगी मैं उसे स्वीकार करूंगा, बंदा उफ तक नहीं करेगा। चाहे मुझे जिंदगी भर डाइट फूड खाने की सजा क्यों ना दे दो, मुझे मंजूर है, कोई शिकायत नहीं। अरे सजा सुन तो लीजिए, आज आप अपने दोस्तों के हाथों से खाना खाने वाले थे तो अब पूरा एक महीना आपको मेरे हाथों से खाना खाना पड़ेगा और ऑफिस में भी टिफिन लेकर मैं ही आऊंगी। जो हुकुम सरकार। वाह मस्त सजा है। और हफ्ते में 4 दिन डाइट फूड खाना पड़ेगा और 3 दिन आपकी पसंद का मसालेदार खाना। ये सही बात है। ये अंजलि ये सजा थोड़ी है, तुमने तो मेरे लिए कुबेर का खजाना दे दिया, मतलब रेगिस्तान में झरना बह गया है तो। अरे जेठिया। हाँ बापू जी। ये अंजलि बेटी की बात सुन के मुझे भी एक बात सूझी है। हाँ बोलिए। तुझे भी हफ्ते में 3 दिन ये अंजलि बेटी कहती है ना वैसा खाना खाना चाहिए। हाँ। मुझे क्यों बापू जी, मैं तो एकदम तंदुरुस्त हूँ। तो जेठलाल मैं कौन सा बीमार हूँ? नहीं नहीं मतलब भाई अभी आप रहना दन अभी। हाँ मैं तो सब खा सकते हैं तो आप क्यों नहीं खा सकते? बराबर है, आप दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं ना। नहीं नहीं अच्छे दोस्त तो है। खरतर मैं तो कहती हूँ हम सब लोगों को हफ्ते में 3 बार डाइट फूड खाना ही चाहिए। नहीं कहा का? का? नहीं कहा नहीं। हाँ मेरा वजन कहाँ जाता है कोमल? अरे तो धर्म करता धड़ पड़े, मेहता साहब आपको बचाने के चक्कर में तो हम सब फंस गए। सॉरी। वैसे आज खाना कहाँ से मंगवाया था? खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। जेठलाल जेठलाल। हाँ बहुत टेस्टी था वो। अंजलि भाभी नट्टू काकर भगा एक बढ़िया होटल से लेके आए। तो ठीक है कल हम सब ऐसा ही मसालेदार और इससे ज्यादा टेस्टी खाना मेरे घर खाएंगे। चलेगा तारक? अरे चलेगा क्या, दौड़ेगा दौड़ेगा।
अंजलि क्या बात है, इतना सब कुछ है? अरे भाई समझ में नहीं आ रहा क्या खाया जाए क्या छोड़ा जाए। अरे तारक आज आपको जो खाना है खाइए, सब कुछ मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है। देखिए यहाँ समोसा है, पास्ता विद व्हाइट सॉस, पास्ता अरेबियाता, पिज्जा, सैंडविचेस, पाव भाजी, मंचूरियन, हक्का नूडल्स, शेजवान राइस और मिठाई में गुलाब जामुन, सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है। अरे वाह, आप अपने हाथों से पहले मैं आपके लिए लाई हूँ पिज्जा फ्रेश। So sweet, God bless. Thank you. गुलाब जामुन? चलेगा। एक और सैंडविच का पीस रख दूँ? चलेगा, चलेगा। बस? बस, बाकी धीरे-धीरे मैं सब खत्म कर दूँगा। ठीक है। एक मिनट आई हाँ। आदि भाई कुछ लेके आऊँ आपके लिए? आता हूँ धीरे-धीरे। ले लीजिए। एक और कचौरी मेरी तरफ से खाइए। अब खुश? अरे खुश क्या अंजलि, बहुत खुश। अरे पेट भर गया पर मन नहीं भरा, मजा आ गया भाई। वाह वाह वाह, हा 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 हा, मेहता साहब के घर पे खाने का मजा आ गया नहीं? हाँ। अरे जेठिया मैं तो कहता हूँ पड़ोसियों को कभी कभी एक दूसरे के घर खाना खाना ही चाहिए, इससे आपस में प्यार बढ़ता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। अरे अंजलि बब्बी रोज ऐसा खाना बनाए तो मैं तो उनके ही घर खाना खाने जाऊं रोज। क्यों बहु अच्छा खाना नहीं बनाती? अरे नहीं नहीं बाबूजी, दया तो जबरदस्त A1 खाना बनाती है, इसलिए मुझे क्या घर का खाना छोड़ के बाहर कहीं खाना खाने का मन ही नहीं होता। लेकिन अभी तो तू बोला ना कि अंजलि भाभी अगर रोज ऐसा खाना बनाए तो मैं रोज उनके ही घर खाना खाने जाऊं। सॉरी, बाकी मेहता साहब और अंजलि भाभी के बीच में जो टेंशन था वो दूर हो गया, वो बहुत अच्छा हुआ नहीं बाबूजी? अरे भाई पति पत्नी का रिश्ता तो तराजू की तरह होता है, दोनों पलड़ों में वजन बराबर होना चाहिए। फिर तो हमारे केस में तो दया तू अपना वजन बढ़ा, क्योंकि मैं तो लाख कोशिश करता हूँ फिर भी मेरा वजन तो कम होता ही नहीं, इसलिए हमारा पलड़ा तो ऐसा ही रहता है। ये बबूचक, मैं शरीर के वजन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है पति पत्नी के रिश्ते के तराजू में समझदारी का वजन बराबर होना चाहिए, अगर दोनों में से किसी एक से जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो दूसरे को समझदारी से परिस्थिति को संभाल लेना चाहिए। इस तरह समझदारी का वजन बराबर रहेगा तो पति पत्नी के रिश्ते का तराजू हमेशा एक समान रहेगा। बापूजी अब वैसे बापूजी मेहता साहब और अंजलि भाभी के रिश्ते का तराजू एक समान ही था, अंजलि भाभी ने मेहता साहब को वो डाइट खाना खाने को कहा, मेहता साहब मान भी गए और उन्होंने तो उनकी कसम भी खाई, लेकिन टप्पू के पापा को बेचारे मेहता साहब पर बहुत दया आई, इसलिए दोस्तों के हाथों से स्वादिष्ट खाना खाने का आइडिया दिया, उसमें उनके रिश्ते का तराजू का संतुलन बिगड़ गया। ए, वो आइडिया तूने दिया था? बोल, ये अक्कल जो तुम्हें लोगों के घर टूट जाए ऐसे आइडिया देता है? दोस्त के घर में आग लगाता है? दूसरी बार कभी ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं जी
कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? रुक 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 रुक। ओए माँ, ओए माँ। तुझे बड़ा मजा आता है ना बापूजी के सामने मेरी पोल खोलने का? क्या जरूरत थी वो आइडिया वाली बात निकालने की? तूने मुझ पे इतना अत्याचार किया, मैंने बापूजी को बताया? आइडिया? मैंने भला आप पर क्या अत्याचार किया? ओह अच्छा, क्यों? वो चिकनी, वो मिर्ची के पाउडर का धुआं, हाँ? वो सब आइडिया तेरा था ना, हाँ? था कि नहीं? मेरा ही था। तो फिर? तो पति देव चूहा बनेंगे, तो पत्नी को बिल्ली बनना ही पड़ेगा ना? बापूजी। रुक, रुक। भाग रही है। एक मिनट। आप चूहा है और मैं बिल्ली। तो चूहा बिल्ली को थोड़ी ना पकड़ता है, बिल्ली चूहे को पकड़ती है। तो चूहा जी आप आगे रहिए, मैं आपके पीछे रहती हूँ। चलिए भागिए भागिए भागिए। कैसा उल्लू बनाया? खोल खोल। बिल्ली ने सियार है सियार लुच्ची। मदर मदर री लारा री री दारी री। कल यही कुर्ता पहन के माधवी को सरप्राइज दूंगा। कुछ छुपा रहे मुझसे आप? तो यस यूं ही? नहीं, वो तो ऐसे ही। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है ना, इसलिए। चल। आत्माराम जी, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप मुझसे कुछ छुपा रहे? बताइए क्या छुपा रहे? अरे कुछ नहीं माधवी, मैं क्या छुपाऊंगा, कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, कल पता चल जाएगा। बगा, मतलब कुछ छुपा रहे? बताइए क्या बात है माधवी। मैंने बोला ना कल पता चल जाएगा, सरप्राइज है सरप्राइज। वेट एंड वॉच। और तो भी नवाजुनी में देखो ना। एक मिनट क्या? कल रात को मेहता साहब के घर पे जो कुछ हुआ वो माँ को मत बता देना। कल मेहता साहब के घर पर क्या हुआ था? चलो तुझे याद नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो ये सब क्या बताना अभी? तो अभी नहीं तो क्या, बाद में बताएगी मेरी गैराजरी में। आप निश्चिंत रहिए, मैं माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। देखा माँ? माँ बस अभी देखिए ना, नवा जूनी में हमारे यहाँ गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू होने वाली है। और तुम्हें पता है माँ, हमारे यहाँ जो भी सोसाइटी में गणपति बापा का बहुत अच्छा डेकोरेशन करते हैं ना, उनको अवार्ड मिलता है। और पता है लगातार 6 साल से हमारे गोकुदान सोसाइटी को ही वो अवार्ड मिल रहा है। टप्पू और उसके दोस्त सब मिलकर ये करते हैं। चलो मैं फोन रखती हूँ। मम्मी मैं जा रहा हूँ। ओके बाय बाय। ए भाई जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? पापा गणेश उत्सव की बहुत तैयारी करनी बाकी है। ओके बाय 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 बाय। अरे क्या तुझे जिंदगी में इतनी हड़बड़ी है? शांति से नहीं जा सकता था? गेंद की तरह उछल उछल कर जा रहा था। ए भाई ए, गेंद की तरह उछलना ही अच्छा है। जो गेंद की तरह नहीं उछलता ना, वो खुद गेंद बन जाता है। ओके दादाजी बाय बाय बाय। अरे सुन,
कहाँ जा कहाँ रहा है तू? अरे दादाजी गणपति बाप्पा आने वाले ना, तो डेकोरेशन की पूरी प्लानिंग बाकी है, थीम डिसाइड करनी है, डिजाइन बनाना है, बजट बनाना है, बहुत काम बाकी है। अरे वाह वाह टपुड़ा, जोरदार तैयारी करना है। हाँ, ऐसा सोचना कि देखने वालों के साथ साथ गणपति बाप्पा के दिल को भी छू जाए। हाँ, हाँ दादाजी हमारी कोशिश तो यही है। शाबाश दिक्का, इस बार भी बेस्ट गणपति बाप्पा का डेकोरेशन का अवार्ड भी हमें मिलना चाहिए। यस यस मम्मी, गोकुलधाम सोसाइटी को ही मिलेगा। चलो मम्मी अब मैं चलता हूँ, रीटा दीदी आने वाले हमारा इंटरव्यू लेने। ओके बाय बाय बाय, जय जिनेंद्र, बाय 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 बाय। गणपति बाप्पा मोरिया, 200 साल का फिर से वो वक्त आ चुका है जब हमारे गणपति बाप्पा हम सब लोगों के घरों में, हम सब लोगों के दिलों में एक बार फिर से विराजमान होने वाले हैं। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कितनी सारी गणपति बाप्पा की रंग बिरंगी मूर्तियां हैं, और इन्हीं रूप में वो हमारे घर में आएंगे, हमारी सोसाइटीज में आएंगे। हर तरफ बहुत सारी तैयारियां चल रही है, लेकिन इस वक्त मैं आप लोगों को ले जाना चाहूंगी उस सोसाइटी में जो कि अपनी डेकोरेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और वो है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी। आप सबका स्वागत है पाउडर गली की गोकुलधाम सोसाइटी में। ये वो सोसाइटी है जो पिछले 6 साल से लगातार बेस्ट गणपति का अवार्ड जीत रही है, और इस बात का पूरा श्रेय जाता है यहाँ की टप्पू सेना को, जो कि हर बार कुछ हटके अद्भुत सी थीम लेकर आते हैं और बहुत ही सुंदर गणपति डेकोरेशन करते हैं। तो आइए बात करते हैं टप्पू सेना से और जानते हैं कि इस बार वो लोग क्या धमाल करने वाले हैं। बताइए टप्पू सेना, इस बार गणपति डेकोरेशन की तैयारियाँ कैसी चल रही है? बिल्कुल भी नहीं चल रही है। मतलब चल नहीं रही है, दौड़ रही है, उड़ रही है। हाँ। और हर बार की तरह इस बार भी गोकुल धाम के गणपति डेकोरेशन को देखकर लोग की आंखें खुली की खुली रह जाएगी। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप लोगों का इस बार थीम क्या है? अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो, थीम बताओ। थीम टप्पू सेना का गणपति डेकोरेशन का थीम टॉप सीक्रेट होता है, CBI, CID, FBI को भी पता नहीं चल सकता। हाँ, जब गणपति बाप्पा हमारी सोसाइटी में आएंगे तभी सबको पता चलेगा। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से इस बार भी गोकुलधाम सोसाइटी की टप्पू सेना ने गणपति डेकोरेशन का सीन एकदम टॉप सीक्रेट रखा है। पर अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की टप्पू सेना गोकुलधाम सोसाइटी को गणपति डेकोरेशन के लिए अवार्ड दिलवा पाती है या नहीं। मैं रीटा रिपोर्टर, कल तक से All the best, टप्पू सेना। Thank you. ऐसा डेकोरेशन करना कि इस साल भी ये अवार्ड हमारी सोसाइटी जीते। पक्का पक्का 100%। Yes, 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 yes. सोसाइटी को ही मिलेगा। हाँ, हमें ही। All the best. Thank you. Bye 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 bye. Friends, चलो अभी फटाफट मार्केट जाके गणपति जी लेकर के आते हैं। हाँ, चलो 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 फ्रेंड्स फटाफट चलो चलो जल्दी जल्दी लेट हो जाएगा, बहुत काम है अपने को। जान बची और लाखों पाए, बीवी को मना के घर ले आए। दोस्तों मैं तो जैसे तैसे मुसीबत से बाहर आ गया, आफत से बच गया, लेकिन अब टेंशन होने वाला है टप्पू सेना को। जब आप क्लास में सबसे कम मार्क्स लेके आते हैं, आपके नंबर सबसे कम होते हैं, तो आप पे कोई दबाव नहीं होता, किसी को कोई उम्मीद नहीं होती आपसे। लेकिन यदि आप फर्स्ट आते हैं, आप अव्वल रहते हैं, तो उम्मीदों का सबसे ज्यादा दबाव आप ही पे होता है, अपेक्षाओं का बोझ आप पे होता है। ठीक उसी तरह से जैसे इस वक्त टप्पू सेना पे अपेक्षाओं का बड़ा बोझ है साहब। पिछले 6 वर्षों से गणपति डेकोरेशन में टप्पू सेना प्रथम स्थान प्राप्त करती है, और इस बार भी लोगों को लगता है कि टप्पू सेना फर्स्ट आएगी, लेकिन इस बार इतना आसान नहीं है गणपति डेकोरेशन में टप्पू सेना का फर्स्ट आना, क्योंकि बाहर कड़ा कॉम्पिटिशन है और सोसाइटी में बजट का टेंशन है। अब ये कॉम्पिटिशन और टेंशन क्या करता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इन दोनों का संगम आपके घरों में लेके आएगा ठाके, और सोचिए क्या करेगी टप्पू सेना। और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।